ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਤਾਓ ਕੈਸੇ ਜਾਏ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਲੋਕ ਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, अब यहाँ को हम लोग का पता नहीं, कानपुर से आए हम लोग के यहाँ रास्ता नहीं मालूम, कहाँ से कहाँ जाएँ, कहाँ से हमको ट्रेन मिलेगी। हम लोग 10 यात्री हैं, एक लोग दो लोग हो तो चलो कहीं हो जाए, 10 यात्री कहाँ से कहाँ पकड़ें। बहुत मुश्किल है, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, सब बहुत परेशान है। सुबह को वैष्णो देवी गए थे, वहाँ से हम यहाँ पर आए, अमृतसर आए, और यहाँ पे मॉर्निंग से आज मॉर्निंग मतलब कल नाइट में भी थे और मॉर्निंग से अभी यहाँ पे हम लोग शाम का वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और अभी पता चला है कि ट्रेन यहाँ से जाने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ट्रेन का अब हमें पता चले, यहाँ ये भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ से पकड़े ट्रेन। हमारे पास हम पूरी फैमिली 10 लोग हैं, 10 बैग हैं, हम लोग कैसे मतलब सब कैसे एडजस्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ जाएँ इतना सारा ले करके। रेल वाले क्या अभी इंक्वायरी करने के लिए गए थे वहाँ पे, तो पता चला कि यहाँ से ट्रेन नहीं मिलने वाली है, जलंधर से पकड़नी पड़ेगी, तो वही हम लोग सोच रहे हैं कैसे जाएंगे इतने सारे बैग लेकर के। हाँ, तो अमृतसर स्टेशन जो है एक मेजर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के थ्रू जा रहा है, जहाँ पर हम मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में तब्दील कर रहे हैं। इसके लिए हमें यार्ड में जहाँ पर पटरी होती है वहाँ पर कई नए पॉइंट्स और नई मोटरें और नई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, जिसके लिए और यार्ड का लेआउट भी हम थोड़ा बदल रहे हैं जिससे इसकी थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ सके। तो उसके लिए हमें ट्रेन की आवाजाही रोकनी पड़ती, तभी वहाँ पर मैन पावर काम कर सकती है। अगर पटरी को थोड़ा नया पटरी बिछानी है और पुरानी पटरी के क्या कहते हैं आपको टर्न्स वगैरह चेंज करने हैं, तो आपको कुछ ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ेंगी, जिसके कारण हमने कुछ ट्रेनें कैंसिल, कुछ डाइवर्ट, कुछ शॉर्ट रन करी हैं। जैसे पठानकोट की ट्रेनें वेरका से चल रही हैं, दिल्ली की मेजर ट्रेन शान ए पंजाब शताब्दी ब्यास से चल रही हैं, तो उसका पूरा डिटेल ब्यूरा की लिस्ट हम सारे जर्नलिस्ट के साथ शेयर कर चुके हैं। हमने यहाँ पर स्पेशल काउंटर भी बनाए हैं जहाँ पैसेंजर्स को गाइड किया जा रहा है, हम पोस्टर्स लगा रहे हैं जहाँ पर हम लिख रहे हैं, हम रोडवेज से भी बात कर रहे हैं कि कोई बस सर्विस हो सके अगर स्टेशन से, तो ये सारी चल रही है प्रक्रिया। इसमें हम लोगों का भी साथ मांग रहे हैं कि वो एक अमृतसर स्टेशन के इस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हमारा साथ दें। आपको लोगों को थोड़ी तकलीफ़ है और हम कोशिश करेंगे कि तकलीफ़ कम से कम हो, और लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको इस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा अमृतसर स्टेशन की एफिशिएंसी के टर्म्स में। नाम मेरा सूरज सिंह है, कोटर ज़्यादा पेंड। आज ट्रेन आज आई सवेर से बैठे हैं, ट्रेन कोई आई नहीं है, पब्लिक को बड़ी परेशानी है, बच्चे है, गर्मी बहुत है, परेशानी बहुत है, पानी का पूरा बंदोबस्त नहीं है, बाकी यहाँ पक्खे भी बहुत घट ने प्लेटफार्म पे, गर्मी ज़्यादा है, पब्लिक सब तो ज़्यादा परेशान होंगे, बच्चे बुढ़े ज़्यादा परेशानी है। स्टेशन वाले ये कहने भी ज़्यादा दसना चाहिए, अनाउंसमेंट करना चाहिए 15-15 मिनट बाद भाई ट्रेन चलनी है कि नहीं चलनी, पब्लिक अपने अपने घर जाए, लंबे रूट वाले जड़े वो अपने इंतजार कर बंदोबस्त कर, जिदा उधर सफर मुसाफर करने बैठे आ सारे कट्ठे हो, तो प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं है, लोग सारे उत्थे बैठे, उत्थे भी कोई खास बंदोबस्त नहीं है।